कैसे टूटा ये अपने प्यार का सिलसिला, पूछा मौजे सबा ने तो मैंने कहा दिल नहीं मानता, दिल नहीं मानता, हो दिल नहीं मानता, दिल नहीं मानता। डॉक्टर साहब मुबारक हो, बेटा हुआ है। पानी पीजिए, परेशान ना हो, कल रुकैया आपा के लिए कोई फातिहा करवा, ठीक है? मैं सच कह रही हूँ सहना, वो जब भी नजर आती है तो कोई ना कोई मुसीबत जरूर आती है। आई एम सॉरी, हम उसे नहीं बचा सके। क्या 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 कह रही है? खाला, हम घर कब जाएंगे? दसवां हो जाने तो चले जाएंगे घर। तुम बच्चे की वजह से परेशान हो रही हो? अरे नहीं नहीं, रायान की वजह से कैसी परेशानी, अच्छा है बल्कि मेरा वक्त गुजर जाता है। बच्चे तो मुझे शुरू से ही अच्छे लगते हैं। मुझे तो बहुत तरस आता है बेचारे, कभी माँ की मोहब्बत देखी नहीं उसने। बच्चों को क्या पता माँ की मोहब्बत। हाँ बच्चे तो प्यार के साथ ही होते हैं। बेचारी जहरा आपा, तरस आता है मुझे उन पर। पहले मियां चला गया और अब जवान बेटी भी चली गई, कितनी तनाव हो गई हैं। हाँ मैं उनका दुख समझती हूँ, उन्होंने तो रायान को गोद में भी उठाकर नहीं देखा। बड़े चाव से बच्चे की तैयारी कर रही थी, भाई और भाभी भी कितने खुश थे। हुज़ैफ़ा तो अब तक अपने आप को संभाल भी नहीं पाया। हाँ लेकिन वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। दसवां हो जाए तो हम घर चले जाएं। लेकिन सोहना बच्चे का क्या हो, उसे कौन संभालेगा? हुज़ैफ़ा है ना, और फिर इसके दादा दादी नानी सब हैं। जिन बच्चों का कोई नहीं होता वो भी तो पल ही जाते हैं। नाश्ता किया तुमने? नहीं फिलहाल तो नहीं किया। मैं जाके बनवाती हूँ तुम्हारे लिए। थोड़ा सा बस हो गया, अब तो बिल्कुल रेडी हो गया। माशाल्लाह हो गया। हेलो मामा, रियान कैसा? हाँ हुज़ैफ़ा, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, खेल रहा है सुहैना के साथ, देखो बातें कर रहा है वो। हाँ तुम्हारी तरह नहीं है, तुम तो चम्मच से दूध पिलाने लगे थे उसे कल। मामा मैंने कौन से बच्चे पाले हैं, मुझे कैसे पता होगा। अच्छा आप प्लीज सुहैना से पूछ लें, इसके लिए कुछ चाहिए तो नहीं, मैं आते हुए ले आऊं। सुहैना बेटा रायन के लिए कुछ चाहिए? नहीं नहीं बस इसका सिरप चाहिए था, वो तो मैं खुद ही ले आई जाके। नहीं बेटे वो कह रही है कि बस कॉफ सिरप चाहिए था, वो ले आई थी जाकर। ओके मुदाफिस। ओके ओके मेरा बच्चा, ओके ला हाफिज। लाओ भाई मुझे तो। मामा का दुपट्टा नहीं छोड़ा मैं तो। अच्छा ये तो कोई अच्छी बात नहीं है, मामा के पास नहीं जानो। नहीं भाई लो भाई अपना बच्चा, मेरा बेटा मेरा ही आया। ना 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 अच्छे बच्चे नहीं रोते, बिल्कुल नहीं रोते। दादी है, दादी है, दादी से बातें करो जरा। क्यों हो रहा है रियान, रियान को नींद आ रही है। चलो सो जाओ। अल्लाह।
मैं रयान को अपने कमरे में लेके जा रहा हूँ, प्लीज मुझे दे दो, रोएगा तो वापस ले आऊंगा। सुमान की इसको नहला दिया तुमने? जी। पैंपर चेंज कर दिया? जी। बेबी बाबा को मिस कर रहे थे? चुक अब मिस कर रहे थे बाबा को? रेच को चढ़ गया, बस बड़े हो जाओ तुम जल्दी जल्दी, फिर दादा के साथ दौड़ लगानी है। ओ भाई आज तो बहुत खराब मूड है। लो भाई अम्मा लाए मुझे, पकड़ो बिस्मिल्लाह। ओए होए होए क्या बात है, क्या बात है, गर्मी लग रही है? बस थोड़े दिन की बात है, फिर दादी अपनी चीजें छुपाती फिरेंगी और दादा अपनी ऐनक। पकड़ो, भागो, रोको, यही शोर होगा घर। ये तो है। क्यों भाई रायान, आप बड़े होके सबको परेशान करेंगे, हम पीछे पीछे और आप आगे आगे। आराम से हैंडल करो मेरे बेबी को, बहुत प्रेशियस है। ओके ओफो भाई, बड़े पजेसिव हो रहे हो तुम अपने बच्चे के बारे में। ऑब्वियसली मां, मेरे इसके अलावा है ही कौन। कहीं जा रहे हो बेटे? जी मां, मैं एक जरूरी काम था। आपको कुछ मंगवाना तो नहीं है? नहीं, मेरा ख्याल है, कुछ चाहिए? नहीं, बस रायान का दूध चाहिए था, वो तो मैंने मंगा दिया। सो है ना, तुम्हें अपने लिए कुछ चाहिए? कुछ नहीं। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, ओए होए होए माशाल्लाह भाई। रेयान तुम तो बहुत शरीफ बच्चे हो भाई, तुम्हारे तो रोने की आवाज भी नहीं आ रही। हाँ तो अगर बच्चे को तंग ना करें तो कहाँ रोता है। माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह संभाला हुआ है सुहैना ने। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, देख ले बिल्कुल मेरे हुज़ैफा की शक्ल है ना। शांजे की झलक भी आ रही है। अच्छा हाँ, माँ थी ना आखिर, पर उसके नसीब में ही नहीं था कि बच्चे को पालती। जब भी इसकी तरफ देखती हूँ तो मेरा दिल कट जाता है, मुझे यकीन नहीं आता वो इस दुनिया में नहीं है। तो कहते हैं ना कि अल्लाह के काम में मसलियत होती है। सब लोग हुज़ैफ़ा की दो शादियों से परेशान थे। देखो कुदरत का कमाल कि सुहैना ने बच्चे को माँ की कमी नहीं होने दी। शायद इसलिए कि उसकी किस्मत में बच्चा नहीं था, उसने इस बच्चे को पालना था। ये तो है, बिल्कुल ऐसे संभालती है जैसे उसकी अपनी औलाद हो। मैं तो सब भूल गई थी। तो कहते हैं ना कि पैदा करने वाले से पालने वाले की मोहब्बत ज्यादा होती है। ये तो है, मोहब्बत तो बहुत करती है। अल्लाह करे ऐसे ही रहे हमेशा। अल्लाह करे कि ये मामला इसी तरह चलता रहे। बस हुज़ैफ़ा जरा सा नॉर्मल हो जाए, बहुत लिए दिए रहता है उससे। मैं बात करूंगी, ये ठीक नहीं है। ज़ाहिर है अभी दिन ही कितने गुजरे हैं, चांदे का गम भी ताज़ा। ठीक हो जाएगा कुछ दिनों। कल 10वां है, फातिहा खानी है।
हाँ हाँ सारा इंतजाम कर लिया है और ट्रस्ट वालों को खाने के पैसे भी दिया है। चल और हाँ घर पे भी फाते खाने करवा लेना। देखे जरा कैसे सो रहा है, नहा धो के दूध पी के गुट हो चुका है। ऐसे ही है बच्चों का, तो मैं इसे डाल कर आती हूँ जरा अंदर। अब जब उठोगे ना हम दोनों कुछ खाएंगे। सो गए? ओए माँ सो तू। सलामुअलैकुम मामी। वालेकुम अस्सलाम बेटे, आपने नाश्ता ही नहीं किया हमारे साथ? हाँ जी बस वो मेरे सर में बहुत दर्द है तो मैं सोच रही थी पहले कोई गोली ले लूँ फिर देखती हूँ। इसने जगाया होगा ना रात को? इसकी तो आदत है। हाँ पता है, छोटे बच्चों का तो यही रहता है बेटा, पता भी नहीं ना चलता कि पेट में दर्द है या भूख लगी है, क्या मसला है। मैं उठी थी उस वक्त नमाज के लिए, बहुत रो रहा था ये, ले लेके फिर रही थी ये रात को से। रो रहा था? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? हमें डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए था। अब आधी रात को कहाँ लेके जाते? हाँ हाँ मामा इसे आज लेके जाओ। अरे कुछ नहीं हुआ उसे, देखो बिल्कुल ठीक है ये, ऐसे ही करते हैं बच्चे रात को जगाया करते हैं, सब माएं ऐसे ही रातों को जाग जाग के बच्चे पालती हैं, कोई आसान काम थोड़ी है बच्चे पालना। मामा अगर बच्चे हेल्दी हो तो कुछ मुश्किल नहीं होता, आप प्लीज इसे आज चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास लेके जाएं, वरना मैं खुद ले जाऊंगा। अच्छा अच्छा तुमने जरूर एसी चलाया होगा सुहाना, बच्चों को बहुत जल्दी ठंड लग जाती है, इसे ठंड लग गई। मैं रायान की वजह से एसी नहीं चलाती। मैं आती हूँ। लेटा दो बेटा इसे। ना अच्छा मौसम में आ दूँ? सुनिए ना आज रियान को याद से डॉक्टर को दिखा दे, ये ना हो कि पूरी रात फिर से रोता रहे। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, कोई काम हो तो जरूर फोन कर लेना। जी। ओके बेबी, आई मिस यू, बाय। खाला अब दसवां हुए भी एक हफ्ता हो गया है, हम कब तक यहाँ रहेंगे? हाँ कह तो तुम ठीक रही हो लेकिन बच्चे का क्या होगा? वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। किसी ने कुछ कह दिया क्या? किसी ने कुछ नहीं कहा नजमा खाला, बस मुझे अपने घर जाना। ठीक है मैं भाई और भाभी से बात करती हूँ, ये भी तो तुम्हारा अपना ही घर है बेटा। मैं यहाँ इसलिए नहीं रुकी थी, आप भूल रही हैं, आपने कहा था कि दसवें के बाद हम चले जाएंगे। अच्छा मैं भाई भाभी से बात कर लेती हूँ, इजाजत ले लूँ ना? इजाजत किस बात की? बेटा बात तो करनी होगी, बताना तो होगा ना? जो चाहे करें, अगर आप नहीं आए मेरे साथ तो मैं खुद चली जाऊंगी। मुझे तो इस किस्से का पता ही नहीं है, ना ही कभी किसी ने कोई जिक्र किया। आपको कौन बताता? वैसे हुज़ैफ़ा ने भी हद कर दी, भाभी वो ऐसी तो नहीं है, हुज़ैफ़ा की इज्जत को कभी दाव पे नहीं लगा सकते, मोहब्बत करती है वो उससे। रजा ने भी तो गड़बड़ कर दी ना, ऐसे कोई करता है भला? एक शादीशुदा लड़की को रिश्ता भेज दिया उसने, मर्द भला ऐसी बात कहाँ बर्दाश्त कर सकते हैं। मैंने समझाया था सुहैना और हुज़ैफ़ा को उसकी गलती का एहसास भी हो गया था, फोन करता रहा था कि सुहैना ने उठाया नहीं। मैं तो खुद यही चाह रही थी कि बस सुलह हो जाए और सुहैना यही रह जाए। क्या करूँ, मेरे या किसी और के कुछ कहने से तो सब ठीक नहीं होगा ना, ये तो हुज़ैफ़ा को ही ठीक करना पड़ेगा।
या फिर इकबाल से बात करके देख लेती हूँ, मशवरा करके देख ले, शायद कोई हल निकल आए। तो तुम रोक लो। कैसे रोक लूं? अब वो पहले वाले हालात तो नहीं है ना, अब अगर मैं उसे रोकूंगी तो उसे लगेगा जैसे मैं बच्चे की वजह से रोक रही हूँ उसे। तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। हुज़ैफ़ा से बात करती हूँ। देखो अगर हुज़ैफ़ा ने ख्याल नहीं किया ना तो बहुत पछताना पड़ेगा। और क्या, और अब क्या बच्चे के लिए तीसरी शादी करेगा? कुछ भी हो बच्चे से तो बहुत मोहब्बत करती है ना, वो उसकी तरह कोई और ख्याल नहीं रख सकेगा। बहुत तब्दीली आ गई, अब तो मैंने उसे ऊंची आवाज में बात करते हुए भी नहीं देखा। हाँ बदल तो गई है लेकिन बहुत बुझी बुझी सी रहने लगी है। देखा जाए तो हुज़ैफ़ा भी ठीक है, कोई भी आदमी ऐसी बात बर्दाश्त तो नहीं करता, अगर गुस्से में आके कुछ कह दिया हो तो ठीक ही है। गलती हुज़ैफ़ा की भी, अगर इतना ही ख्याल था तो बीवी को अकेला छोड़ा ही क्यों? छोड़े ना, अब जो होना था वो तो हो चुका, अब तो यही कोशिश करते हैं कि किसी तरह दोनों एक हो जाए। भाई भाभी सुहैना चले गए। कहाँ चली गई, हमसे मिली भी नहीं और चली गई? जी आपके पास इसलिए नहीं आई क्योंकि उसे पता था कि आप उसे रोक लेंगे, वो आप लोगों को मजीद दुख नहीं देना चाहती थी। अब मुझे भी जाना पड़ेगा, अकेले तो नहीं छोड़ सकती ना उसे। हाँ हाँ चली जाओ, वो अकेली कैसे रहेगी? मैं हुज़ैफ़ा से बात करती हूँ, तुम फिक्र मत करो, यहीं आना है सुहैना को बस। ठीक है बाबा, हाय आप अपना ख्याल रखिए। ठीक है ड्राइवर के साथ चलिए। जी खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। देखा आपने, इसी बात का डर था मुझे, हुज़ैफ़ा तो उसे बिल्कुल बच्चे की आया की तरह ट्रीट कर रहा था तो बुरा तो लगना था ना उसे। बहुत खुदगर्ज हो गई हो तुम सुहैना, हुज़ैफ़ा ने तुमसे माफी मांग ली, तुम्हें वापस ले जाने की कोशिश की लेकिन तुमने इनकार कर दिया, कुदरत ने एक और मौका दिया उसे भी ठुकरा कर आ गई तुम। भाई भाभी तुम्हारा कितना ख्याल रख रहे थे, तुम्हारे यहाँ आने से कितने परेशान हो गए होंगे वो, आखिर तुम चाहती क्या हो बेटा? देखो बेटा जिंदगी अकेले गुजारना बहुत मुश्किल है, मेरे सर पे तो भाई बहन मौजूद थे, तुम क्या करोगे? बात को समझो, हुज़ैफ़ा को माफ कर दो, वो तो समझा होगा कि तुमने माफ कर दिया वापस आ गई हो, परेशान हो गया होगा। कुछ नहीं सोचा उसने, और खुदगर्ज मैं नहीं हुज़ैफ़ा है, उसने मुझे अपने बच्चे की आया समझा, वो मेरे लिए अजनबी था और मैं उसके लिए गैर थी, वो मेरे कमरे में दस्तक देकर आता था और रह शानजे के कमरे में रहता। सुहैना शानजे इस दुनिया से जा चुकी है। मैं वो बात नहीं कर रही नजमा खाला, क्या हुज़ैफ़ा से मेरा कोई रिश्ता नहीं था? क्या मेरा कमरा उसका कमरा नहीं था? वो बच्चे को उठाता और अपने कमरे में ले जाता, मुझसे अगर बात भी करता तो सिर्फ बच्चे के हवाले से, उसने एक दफा भी कोशिश नहीं की कि मुझे मेरी हैसियत से देखे। मैं सारी सारी रात जागती थी लेकिन उसे सिर्फ बच्चे की तकलीफ का एहसास था। क्या मेरी तकलीफ कुछ नहीं, मैं सिर्फ उसके बच्चे की आया थी। हो सकता है अब तक शानजे के गम में उसे कुछ समझ में ना आ रहा हो, आहिस्ता आहिस्ता भूल जाएगा बेटा। मुझे किसी की जगह नहीं लेनी है नजमा खाला, मैं अकेले रह सकती हूँ। और वो बच्चा, उसके बारे में तो सोचो सुहैना, उसको तुम्हारी कितनी आदत हो गई थी,
तुम्हारे बगैर कितना परेशान हो रहा होगा, रोता होगा वो। बच्चे तो आज दिन बदलते रहते, कुछ दिनों में वो भी अपने बाप से मानूस हो जाएगा। और तुम, तुम्हें आदत हो जाएगी, भूल जाओगे तुम उसे। मामा वो भी तो सबसे नफरत करती है। नफरत करती तो ऐसे खामोशी से आकर तुम्हारे बच्चे को नहीं संभालती। जिस दिन से उसे पता चला है कि रायन की तबीयत खराब है, चार चार मर्तबा फोन करती है दिल। बस अब मैं फोन कर रही हूँ उसे। मामा किसी को जबरदस्ती नहीं रोका जा सकता। रायन का भी तो सोचो बेटा, मेड से नहीं संभलता है वो, माँ की जरूरत है उसे। मामा उसकी माँ मर चुकी है, मैं संभाल लूंगा उसे। सुमेना तो हमेशा की बहस है। कैसे संभालोगे, तुमसे थोड़े ही संभलेगा वो। छोड़ दो तुम, मैं खुद ही देख लेती हूँ, संभाल लूंगा। मैंने खुद सुना है रो रहा था ये। शायद मेरी आंख लग गई हो, टूट गया हो, लेकिन अभी तो सो रहा है। मैं इसका रोना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं इसे अपने साथ सुलाऊंगा। तुम्हें आदत हो जाएगी, भूल जाओगे तुम उसे। मामा कहाँ हैं आप? मामा, मामा, मामा बेटे, मामा इरिटेटेड है, पता नहीं बहुत तंग है, दूध भी नहीं पी रहा, सोया भी नहीं है। ठंडे पानी में बनाया था। और किसमें बना था मामा? ठंडे पानी में थोड़ा ही बनाते हैं। नहीं, मैं भी मैंने चेंज किया था, वो भी लीक हो गया। फिर? ओ बेटा, ओ मेरा बच्चा, तो बुखार है बेटे, बहुत तेज। डॉक्टर पे ले जाना होगा अभी। हाँ चले। मैं चेक करा के लाती हूँ, फिर लेकर चलती हूँ। ओके। हाँ चलो। चले माँ, मैं वेट कर रहा हूँ। बुखार बहुत तेज है, लगता है रात को ठंड लग गई है। आई थिंक ब्लैंकेट वगैरह हट गया होगा, लेकिन ये भी बहुत छोटा है, इसे मेडिसिन तो नहीं दे सकते। मैं कोई ड्रॉप लिख देती हूँ, इसे दिन और रात चार चार घंटे के वक्फे से दे दीजिएगा। जी मैं दे दूंगी। इसके अलावा कोई इंजेक्शन वगैरह की जरूरत नहीं है? इतने छोटे बच्चों को तो मेडिसिन भी नहीं देते, लेकिन बुखार बहुत तेज है इसलिए मजबूरी है, तो मैं ड्रॉप दे रही हूँ। इतने छोटे बच्चों को बहुत एहतियात की जरूरत होती है। मैडम ये दूध नहीं पी रहा। फीडर तो लेता है ना? जी फीडर लेता है। फीडर का टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है।
ना बहुत ज्यादा गर्म ना बहुत ज्यादा ठंडा, नहीं तो बच्चा बीमार हो जाता है और फिर दूध देना छोड़ देता है। मैं जो ड्रॉप दे रही हूँ ना, ये आप इसे जरूर दें और बहुत एहतियात करें, वरना इसे डबल नमूनिया भी हो सकता है। ठीक है मैम, हम बहुत एहतियात करें। ये सब तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुआ है। मामा मैंने कौन से बच्चे पाले हैं? मुझे किसना पता कैसे ख्याल किया जाता है? बुखार में तप रहा है कल से वो, बड़ी मुश्किल से सुला के आई हूं बेचारे को। बच्चे तो सुहैना ने भी नहीं पाले थे, मगर कैसे अच्छे तरीके से संभाला हुआ था उसने। मैं करने लगी हूं उसे फोन। मामा कोई जरूरत नहीं है, वो हद की खुद गर्ज औरत है, मुझसे नफरत करती है, इस घर से नफरत करती है। रियान का भी ख्याल नहीं किया, उसको भी यहां छोड़ दिया। मासूम बच्चे का भी ख्याल नहीं आया उसे? क्या ख्याल नहीं किया? सारी सारी रात उसे लेकर अकेली फिरती रही है, टहलती रही है पूरी पूरी रात। तुम तो अपने कमरे में सोते रहे हो। और सुहैना, क्या उसे एहसास दिलाया तुमने कि तुम्हें उसकी फिक्र है? क्या करती वो अगर ना जाती तो? मामा वो भी तो सबसे नफरत करती है। नफरत करती तो ऐसे खामोशी से आकर तुम्हारे बच्चे को नहीं संभालती। जिस दिन से उसे पता चला है कि रायन की तबीयत खराब है, चार चार मरतबा फोन करती है दिन में। बस अब मैं फोन कर रही हूं उसे। अल्लाह का शुक्र है अब तो ठीक लग रहा है। सुहैना कहाँ? सुहैना किचन में इसकी फीड बनाने गई है। कैसा लग रहा है? है ना, स्माइल भी आ रही है। अभी सो रहा है? सुनना, आपको कुछ चाहिए? कुछ चाहिए हुआ तो मामी को बता दूंगी। गागा, अभी आपका बुखार ठीक हो जाएगा। मेरा बेटा अभी सही हो जाएगा। सो तू चल, अभी हम सोते हैं, ठीक है? जी क्या हाल है रियान का? बुखार उतर गया? हल्का हो गया। चार बज गए, तुम अब तक सोई क्यों नहीं हो? अभी दवाई देनी है बस इसीलिए। तुम सो जाओ, मैं दे दूंगा दवाई। थैंक यू, मैं जाग रही हूँ। कोई बात हो तो मैं जागा हूँ। सोना नहीं है आपने?
हुज़ैफ़ा, हुज़ैफ़ा मेरी तरफ देखो, क्या हो गया तुमको? हाँ, इतने फोन किए, कोई कॉल बैक नहीं, इतने मैसेजेस किए, कोई रिप्लाई नहीं, क्यों कर रहे हो अपने साथ ऐसा यार? बच्चे को बाप की नहीं उसकी माँ की जरूरत होती है, क्यों दुनिया से कटे हुए यार और सिर्फ घर के होकर रह गए हो तुम? क्यों कर रहे हो अपने ऊपर जुल्म यार, क्यों? भला मैं कहां से इतनी हिम्मत लाऊं कि उसको हमेशा के लिए रोक लूं? तुम ही बताओ क्या क्या नहीं किया मैंने उसके साथ, कैसे कैसे इल्जाम लगाए मैंने सुहैना पर, कहां से इतनी हिम्मत लाऊं? अपने लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए सोचो, उसको तुम्हारी नहीं मां की जरूरत है। तुम मर्द नहीं बल्कि एक बाप बन के सोचोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा कि मेरा कहने का मतलब क्या है। तुम समझ रहे हो या नहीं? शुक्र है 2 दिन में मेरा बच्चा तो ठीक हो गया। जी बिल्कुल ठीक है। फिर क्या इरादा है अब तुम्हारा? किस बारे में मामा? रोक लो बेटा उसे। आप नहीं रोक सकते। मैं कैसे रोक सकती हूँ बेटा? मैं रोकूंगी तो उसे लगेगा जैसे मैं बच्चे की खिदमत करवाने के लिए रोक रही हूँ उसे। मामा वो मेरे बारे में भी ऐसे ही सोचे। नहीं भाई, तुम शौहर हो उसके, तुम्हारी बात और है, तुम मना सकते हो उसे, जाकर देखो तो सही। मेरे ख्याल से तो अभी भी पैकिंग कर रही है। हाँ अभी तो बहुत सुबह है। सुबह शाम से क्या फर्क पड़ता है बेटा? रोको जाके उसे। इकबाल के पास बच्चा लेटा कर गई थी तो इकबाल ने रोकने की कोशिश भी की थी, कहने लगी कि अगर आप लोगों को मेरी जरूरत हो तो बुला लीजिएगा। सुहैना रुको, कहाँ जा रही हो? क्या मतलब अपने घर जा रही हूँ? तो ये किसका घर है? मैं सब जानती हूँ ज़ेफ़ा, ये मेरा घर नहीं है और मजीद मुझे इस घर में नहीं रुकना चाहिए। इसका मतलब है तुम मुझसे अब तक नाराज हो, मुझे माफ नहीं किया। ऐसी बात नहीं है, मैं सबको तो माफ कर सकती लेकिन अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकती। पर सुहैना तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मैंने जो गलतियां की मैं उनका कुफारा करना चाहती हूँ। और याद है तुम्हें, मैंने तुमसे कहा था कि मैं अब तुम्हारी और शांति की जिंदगी में कभी वापस नहीं आऊंगी, बस इसीलिए जा रही हूं। शांति तो अब किसी की जिंदगी में नहीं रही। हाँ मैं जानती हूं लेकिन कुछ लोग अपने जाने के बाद भी इतने गहरे नकूच छोड़ जाते हैं कि हम चाहकर भी उन्हें नहीं मिटा सकते। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा अभी भी वही मकाम है। नहीं हुज़ैफ़ा, दिल नहीं मानता, मैं किसी की जगह नहीं लेना चाहती। और रही बात रायान की तो तुम्हें जब मेरी जरूरत महसूस हो मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगी। सुहैना तुम आज मेरे रोकने पर रुकने रही तो कल मेरे बुलाने पर आ जाओगी। सुहैना हमेशा याद रखना मैं तुम्हें लेने आया था,
और मैं आज भी ये कह रहा हूँ कि ये घर तुम्हारा है। घर तो घर वालों से बनता है उज़ैफ़ा, और हम तो कब के अजनबी हो चुके। अगर ऐसा नहीं होता तो तुम दस्तक देकर मेरे कमरे में आने की इजाजत ना मांगते। तुम मेरी इतनी छोटी छोटी बातें नोटिस करती हो। आई एम सॉरी, ये सब कुछ मैं तुम्हारी प्राइवेसी के लिए करता हूं। मेरा यकीन करो सुहैना, मेरे दिल में अजनबियत तक का एहसास नहीं है। सुहैना प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। जो गलती है मैंने की, उन सब साथियों का एहसास मुझे जीने नहीं देता। अगर मैं यहां रुकी तो मेरी रूह पर बोझ रहेगा हमेशा के लिए। तुम मुझे और रयान को छोड़कर जाओगी तो क्या तुम्हारा जमीर तुम्हें माफ कर सकेगा? अगर तुम शांजी से वफा करना चाहती हो तो प्लीज प्लीज रयान को अपना लो। ये तुम क्या कह रहे हो ज़ेफ़ा? तुम इस बात का मतलब भी जानते हो? अच्छी तरह से जानता हूं क्या कह रहा हूं सुहैना, ये सच है। मुझे और रयान को तुम्हारी बहुत जरूरत है। क्या तुम्हें हमसे प्यार नहीं है? अगर प्यार ना करती तो बार बार क्यों होती? तो प्यार करने वाले कभी छोड़ के नहीं जाते। वादा करो तुम कभी मुझे छोड़ के नहीं जाओगी। मैं कभी नहीं जाऊंगी सिर्फ। तुम्हें अपने घर को और अपने बच्चे को छोड़कर कभी नहीं जाओगे। I promise. मुझको यूं लगा जैसे सावन